भाई जबरदस्त। पता नहीं भाई, चले ही जा रहा हूँ चले ही जा रहा हूँ। 45 मिनट हो चुके हैं इस पहाड़ी को चढ़ते हुए, पर अभी तक कोई डियर पार्क का कोई साइन बोर्ड कुछ नहीं दिखा अभी तक। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ चौकोरी में, और सुबह के बज रहे लगभग 10। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अभी सीधा नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चौकोरी के दो बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल जो यहाँ से लगभग 1 घंटे के आसपास है। एक तो पास है, एक थोड़ा सा दूर है। पहला वाला जो है वो 1/2 आवर है, दूसरा वाला 1 घंटे के आसपास है। सो वी विल एक्सप्लोर बोथ द वाटरफॉल्स, और आज के दिन हम यही स्टे करने वाले हैं। पहले सोच रहे थे कि मुंशियारी निकल जाएँ, फिर सोचा नहीं, आज अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और शाम को इन्जॉय करते हैं चौकोरी में। क्या हाल है भैया? गुड मॉर्निंग। पानी गर्म हो गया था? हाँ पानी गर्म था। हाँ आज मैं रुकूंगा यहीं पर, आज यहीं रुक रहा हूँ। हाँ ठीक है, क्या कुछ खाने में मिलेगा? पराठा बन जाएगा? ठीक है तो पराठा लगा दो फिर। हाँ आलू प्याज के बना दो भाई। एक दो सामान यहाँ से ले लेते हैं, मेरे ख्याल से खुल तो जाना चाहिए। कहाँ से है भाई सर्किट? कहाँ से है? वैसे सबसे छोटा यही दिख रहा है मुझे, यही ले लेते हैं। चलो भाई, पानी का अरेंजमेंट हो गया तो क्यों ना गाड़ी धो ली जाए, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। चलो भाई, अब आज के सफ़र की शुरुआत हो गई है फाइनली। बहुत लेट हो गया, 11:10 हो रहे हैं अभी, और अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल जिसका नाम है, क्या नाम था वाटरफॉल का? हाँ, अब हम जा रहे हैं कालीताल वाटरफॉल। यहाँ से 1/2 आवर है लगभग, पहुँच जाएंगे 1/2 घंटे में। और उसके बाद और एक वाटरफॉल है, अब देखते हैं वहाँ जाना है नहीं जाना, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है। अगर टाइम हाथ में रहा, हालांकि टाइम तो है, पर यही है कि अभी ठंड का मौसम है, शाम जल्दी हो जाती है, तो हमें अंधेरा होने से पहले वापस आना है। पूरे रास्तों में आपको इसी तरह का नज़ारा मिलता है पाइन ट्रीज के बीच में से, बहुत ही अमेजिंग लगता है यार इसमें ड्राइव कराना। तो भाई अभी वाटरफॉल मेरे ख्याल से पहुंच गए हैं, अब देखना है कि भाई रास्ता जाने का है किधर से, क्योंकि कोई गाड़ी वाड़े वगैरह है नहीं, और कोई बंदा पूछने के लिए भी नहीं है। ये वाला है क्या, मेरे को क्यों लग रहा है कि शायद यहीं से जाना होगा। बाकी गूगल मैप तो थोड़ा आगे दिखा रहा है, पर मैं मैप पे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, और एक रास्ता यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, उतर के देखते हैं। ऐसे समझ नहीं आ रहा। तो अब गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी हमने, और रास्ता ठीक यहाँ से है जो मुझे डाउट था, क्योंकि यही एक रास्ता दिख रहा है और तो कोई है नहीं। और भाई यहाँ पे तो मतलब कोई भी नहीं है मेरे आसपास, एक इंसान तक मुझे दिख नहीं रहा है, और मुझे उम्मीद है कि झरने तक भी कोई होगा नहीं। चलो चलते हैं, मेरे ख्याल से 10 मिनट का ट्रैक होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो लंबा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो देखो एक रास्ता वहाँ से जा रहा है आगे की ओर, कितना दूर गया ये नहीं पता चल रहा। वो देखो वाटरफॉल हमें यहाँ से दिख रहा है, ज़्यादा दूर नहीं यार, 5-10 मिनट का रास्ता। मुझे लग रहा था लंबा होगा, पर ऐसा है नहीं। जगह तो यार बहुत ही ज़बरदस्त है, पर एक चीज़ बोलूँगा कि वॉशरूम है जो बिल्कुल भी मेनटेन नहीं है। पता नहीं, अगर मेनटेन ही नहीं करना है तो बनाते क्यों है, तो मत ही बनाया करो भाई। भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त लग रहा है भाई। अगर ये गर्मियों का मौसम होता ना, डेफिनेटली मैं नहाने के लिए जाता, पर अभी ठंड का मौसम है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होने वाला है, तो अभी नहाएंगे नहीं, थोड़ी देर यहाँ पे इन्जॉय करते हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा साफ है यार, मैं अंदर के पत्थर तक बहुत दूर तक देख पा रहा हूँ।
चलो अब थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं, तब तक आप देखो यहाँ के कुछ अंडर वाटर और सिनेमैटिक शॉट, तब तक मैं ऊपर का कैप्चर करके आता हूँ। भाई अभी काफ़ी ऊपर आ गए, आपको वाटरफॉल सामने दिख रहा होगा, और अभी थोड़ा सा चलते हैं उस तरफ क्योंकि वहाँ से वाटरफॉल नीचे गिरता है, वहाँ से फिर वापस चलेंगे। तो भाई कोई रास्ता वैसे बना हुआ नहीं है, आपको खुद का ही रास्ता यहाँ पे गेस करके उतरना पड़ेगा, ये दिक्कत है। तो अब एग्जैक्टली वाटरफॉल के ऊपर आ चुके हैं और एक गाँव है मेरे ख्याल से उस तरफ जहाँ मैंने कुछ गाँव वालों को अभी जाते हुए देखा है। और आपको वाटरफॉल अगर दिखाऊँ तो वाटरफॉल ठीक मेरे नीचे है, एक तो यहाँ से नीचे पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है, फिर वहाँ से वो गिर रहा है, अब उसके नीचे वाटरफॉल है। बात मान लेना क्योंकि बहुत मेहनत करके ऊपर आया मेरा आपको खुद दिखाने के लिए, ठीक है। वाटरफॉल है नीचे, ग्रीनिश पानी देखोगे तो सही लग रहा है यहाँ से। ओके सो अब नीचे आ चुके हैं और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पर। अभी टाइम लगभग हो रहा है लगभग एक घंटे के आसपास हम लोग थे वाटरफॉल के पास, और अभी मेरे अलावा कोई भी गाड़ी यहाँ लगी नहीं है, तो टूरिस्ट यहाँ पर फुटफॉल इस टाइम पर कम क्या है ही नहीं, मतलब कोई भी टूरिस्ट मुझे वहाँ भी नहीं दिखा था। चलो चलते हैं। बड़ा ही यार वाटरफॉल मैंने बहुत सारे देखे हैं पर इसका पानी मुझे सबसे ज़्यादा क्लीन लगा है, और जब पानी क्लीन होता है ना तो वो ग्रीनिश इफेक्ट आता है, जब वो थोड़ा गहरा भी होता है और क्लीन भी हो तो ग्रीनिश इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सो भाई अभी टाइम लगभग हो रहा है 1:20 और प्लान में थोड़ा चेंज, मैं दूसरे वाटरफॉल को नहीं जा रहा हूँ अभी, रीज़न है कि यार एक जैसी चीज़ दो बार एक ही दिन में देखने का कोई पॉइंट नहीं है। तो चकोरी में एक डियर पार्क है और मेरे जो होटल के ओनर है वो बता रहे थे कि वहाँ पे शायद हिरन दिखती है, तो चलो कम से कम यही एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके सो डियर पार्क के एंट्री पे पहुँच गए, यहाँ पे बेसिकली कोई एंट्री तो है नहीं, एक छोटा सा पाथवे बना है जहाँ से भी ऊपर जाएंगे हम लोग, मेन रोड के पास ही है ये, पीछे गाड़ी हमने लगा दी है। चलो पता नहीं है, खुले में तो नहीं है भाई डियर पार्क, ये तो भाई लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, बहुत नीचे से हम लोग ऊपर आए हैं, आपको अगर दिख रहा होगा, पता नहीं नहीं दिख रहा है, छोड़ो। लाइफ में कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता, खासकर ट्रैकिंग। मेरे को लगा था कि गूगल मैप दिखा रहा है रोड के बगल में ही है, पर ऐसा होता नहीं है। कितना ऊपर है और? यार 10-15 मिनट 10-15 मिनट ठीक है भाई। अभी तक तो कोई गेट वगैरह मुझे दिख नहीं रहा है, मैंने गूगल पे जो फोटोज देखे उसमें एक गेट तो आता है पार्क के लिए, पर अभी भी बहुत ऊपर है भाई। ये अच्छा है कि पास में बना हुआ है, आपको रूट आइडेंटिफिकेशन में इशू नहीं आएगा यहाँ पे। चलो पता नहीं भाई, चले ही जा रहा हूँ 45 मिनट हो चुके हैं इस पहाड़ी को चढ़ते हुए, पर अभी तक कोई डियर पार्क का कोई साइन बोर्ड कुछ नहीं दिखा अभी तक। एक दो लोग बस आए, मतलब उतर रहे थे, उन्होंने बताया कि थोड़ी देरी पे है, पर कितना देर पे, कोई बोल रहा था 10 मिनट, कोई बोल रहा था आधा घंटा, किसकी माने। अब तो पाथवे भी जो है वो भी आगे जाके पता नहीं ख़त्म सा लग रहा है, चलो देखते हैं। एनीवेज आधे घंटे और ट्रैक करते हैं, इन केस अगर नहीं मिलता है तो फिर वापस चल लेंगे यहाँ से, नहीं देखना टीयर। चलो तो भाई फाइनली ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं डियर पार्क, मेरे सामने मुझे दिख रहा है बोर्ड, अब दिखने लगा है, मेरे ख्याल से वहाँ से एंट्री है और शायद वहाँ से अंदर अभी जाके पता करते हैं, एग्जैक्टली नहीं पता चलता क्योंकि एक रास्ता नीचे से भी जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई साहब, ये बाइक लेके आया कैसे होगा, मैं तो वही सोच रहा हूँ, रास्ता आपने देखा था कैसा था, मतलब पैदल तो चलो बंदा आ भी जाए, भाई बाइक लेके जो आया बंदा गट्स चाहिए, हाथ हो गया चलो चढ़ान तो फिर भी थोड़ा आसान होता है,
उतारेगा कैसे ये पता नहीं। चलो चलते हैं गेट की तरफ, पता करते हैं गेट यही है या अभी और हमें चढ़ना है। भाई इतनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं ये, इतनी छोटी। गेट तो यही लगा है, अंदर चलते हैं। वीडियोग्राफी बना है यहाँ पे। तो भाई डियर पार्क के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए मैं अंदर का बहुत ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाया। अभी एक्चुअली ये एरिया जो है डेवलप नहीं हुआ है, जो यहाँ के लोग केयर टेकर जो बता रहे हैं कि अभी ये बन रहा है, इसीलिए कोई भी साइनेज या बोर्ड वगैरह आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। जो बताया उन्होंने टोटल अभी 14 हिरन हैं यहाँ पर जिनको कंजर्व किया गया, और बेसिकली एक रिसर्च सेंटर है फिलहाल। वैसे लंच में कुछ मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। क्या मिलेगा बताइए? दाल मिलेगी, सब्जी, आलू गोभी है। तो चावल है, राइस है? राइस तो चावल दाल और आलू गोभी लगा देना। कितने लोग? अकेला हूँ। सिंगल? हाँ सिंगल। रोटी नहीं खाएंगे? नहीं रोटी नहीं, चावल। ठीक है ठीक है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अभी बजे हैं लगभग 3:30 और लंच के लिए हॉट लिया। कल मैं यहाँ पे गया था, आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा कि एमबीएन का गेस्ट हाउस है, तो ठीक इसी के सामने रेस्टोरेंट है। तो प्याज प्याज अगर है तो दे दीजिए। चलो भाई खाना आ गया। वाह भाई गजब, देख रहे हो विनोद कैसा व्यू आ रहा है यहाँ से। भाई रूम से बाहर आते ही फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। रूम पे तो सही लग रहा था, थोड़ा बहुत मफलर पहन ले क्या, पहन देते हैं भाई, बीमार होने का शौक नहीं है, ट्रिप लंबा है अभी। कहाँ गया मफलर, कहाँ है मफलर, मफलर okay. चलो बस इसका तामझाम बंद किया जाए। वोकेशन पर भैया तो यहाँ है नहीं, लगता है कहीं गए हैं सामान वामान लाने के लिए, वेट करते हैं। चलो भाई जब तक भैया आते हैं तब तक थोड़ा सा इवनिंग वॉक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो सनसेट का व्यू है बहुत अमेजिंग आ रहा है। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये पूरा चकोरी का गाँव है ठीक है। आप उस जगह सनसेट हो रहा, आप देख रहे हो रेस पूरा ऑरेंज फैला हुआ। सनसेट से बड़ा प्यार है मुझे, सनसेट सनराइज से दोनों तो है, पर सनराइज पे उतना जा नहीं पाते, तो इसलिए सनसेट से ही प्यार हो गया अब तो। देखो भाई क्या अल्टीमेट नज़ारा आ रहा है यहाँ से, सनसेट हो रहा है, सामने से सड़क जा रही है और भाई पीछे पहाड़ी के ठीक उधर सनसेट अब हो चुका है ऑलमोस्ट। अल्टीमेट भाई ज़बरदस्त, सच बोलूँ तो पहाड़ आने का जो मकसद होता है ना, कुछ इसी तरह के व्यूज़, वाटरफॉल्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें शहर में नहीं मिलती है, वही एक्सप्लोर करने के लिए इंसान पहाड़ आता है। मेरे को मॉल रोड और ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। अब भाई चलते हैं थोड़ा सा वापस ना, क्योंकि भैया अभी तक आ गए होंगे, ठंड बढ़ रही है और अंधेरा भी हो गया, मेरा चेहरा भी दिख नहीं रहा होगा अभी। हैंगी रॉक तो कल गया था, आज वाला ट्रैक लंबा था पर डियर पार्क पर। क्या भैया नाश्ते में है कुछ? क्या समोसा वगैरह है? हाँ समोसा दो लगा दो चाय के साथ। हाँ ठीक है कोई नहीं, चलो समोसा चाय आ गए। ना ना बाहर ही ठीक है, मेरे को यहीं सही लगता है। देखो यार सनसेट क्या जबरदस्त लग रहा है। ओके सो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ऐसे किसी एडवेंचर पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।